नमस्कार, मैं प्रिया तायल, आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम न्यूज नेशन। चार राज्यों की 16 राज्यसभा सीटों पर शुक्रवार को चुनाव हुआ। मतगणना शाम 5 बजे के बाद होनी थी, लेकिन हरियाणा और महाराष्ट्र में नियमों के उल्लंघन की शिकायतों के कारण मतगणना में करीब 8 घंटे की देरी हुई। हालांकि राजस्थान और कर्नाटक के नतीजे आने से पहले ही आ गए थे, लेकिन हरियाणा और महाराष्ट्र में मतगणना को आधी रात को चुनाव आयोग ने मंजूरी दी। सबसे आखिर में महाराष्ट्र के नतीजे आए। यहां भाजपा 3 सीटों पर जीत दर्ज करने में कामयाब रही, तो वहीं 3 सीटों पर महाविकास अघाड़ी ने जीत दर्ज की है। महाराष्ट्र में शिवसेना के संजय राउत को 41 और कांग्रेस के इरफान प्रतापगढ़ी को 44 और एनसीपी के प्रफुल्ल पटेल को 43 वोट मिले थे। वहीं बीजेपी के पीयूष गोयल को 48 और अनिल बोंडे को 48 मत हासिल हुए हैं। दरअसल महाराष्ट्र की 6 सीटों पर 7 उम्मीदवार थे। छठी सीट के लिए शिवसेना के संजय राव पवार और बीजेपी के धनंजय के बीच मुकाबला कटाके का था। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के लिए ये प्रतिष्ठा की लड़ाई थी, लेकिन वो अपने उम्मीदवार को जिताने में नाकाम रहे। महाराष्ट्र के अलावा हरियाणा के नतीजों में भी काफी देरी हुई। हरियाणा में आधी रात सियासी ड्रामा देखने को मिला। मतगणना के बाद पहले कांग्रेस ने ऐलान कर दिया कि उनके उम्मीदवार अजय माकन जीत गए हैं, लेकिन उसके बाद वोटों को द्वारा गिनती की गई तो उसमें अजय हार गए। यहां कांग्रेस को जोरदार झटका लगा और पार्टी के उम्मीदवार अजय को हार का सामना करना पड़ा। हरियाणा में बीजेपी के कृष्ण लाल पवार को वही तो निर्दलीय प्रत्याशी कार्तिकेय शर्मा ने जीत दर्ज की है। राज्यसभा चुनाव में एक वोट 100 के बराबर माना जाता है। ऐसे में कार्तिकेय शर्मा को और अजय माकन को 29-29 यानी 2900 और 2900 वोट मिले थे, लेकिन बीजेपी के 66 वोट मिल जाने के बाद कार्तिकेय के पास 2966 वोट हो गए और उनकी जीत दर्ज हो गई। कांग्रेस का एक वोट अवैध होने की वजह से पूरी बाजी पलट गई। राजस्थान में कांग्रेस अपनी तीनों सीट जीतने में कामयाब रही है, तो वहीं बीजेपी के पाले में एक सीट गई है। वहीं कर्नाटक में सत्तारूढ़ बीजेपी ने राज्यसभा के लिए 4 सीटों पर हुए चुनाव में इन 3 सीटों पर जीत दर्ज की है, जिस पर उसने अपने अपने उम्मीदवार खड़े किए थे। वहीं कांग्रेस के खाते में केवल 1 सीट आई, जबकि उसने 2 सीट पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। वहीं जेडीएस के खाते में कुछ नहीं गया। वहीं अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो 11 राज्यसभा सीटों पर सत्तारूढ़ बीजेपी के 8 उम्मीदवारों के अलावा समाजवादी पार्टी के समर्थक कपिल सिब्बल, राष्ट्रीय लोकदल प्रमुख जयंत चौधरी और सपा के एक और उम्मीदवार को शुक्रवार को ही निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया गया था। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी बड़ी खबर देखने के लिए जुड़े रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन के साथ।